गुरु जी प्रणाम। जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि अब ठीक है। मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं हमेशा ही से, जब से मैं ये पाठ करने में, या ये मुझसे नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर करूँ तो बीमार पड़ जाती। ये सब गुस्सा होते हैं कि करो पाठ, क्या पाठ पाठ करो, क्या पाठ करती है? जो देवी का पाठ है या कोई भी पाठ है। अब छोड़ दो, ना ना, मैंने तो पकड़ा ही नहीं गुरुजी, वो मुझसे होते ही नहीं है। मैं करूं तो मुझे लगता है मैं हाँ बीमार पड़ जाऊंगी। बस। और मुझे ये जो आप बताते हो ना एनर्जी वाली चीज, ये पता नहीं 15-20 साल से मुझे है ये चीज कि मुझे एनर्जी बोलिए। समझ आती है और मुझे अच्छी भी लगती है। और ये जो आप बता रहे हो सारी बातें मुझे अच्छी लग रही हैं और समझ आ रही हैं। इससे पहले भी हम एक गुरुजी थे, अवधूत बाबा, शिवानंद अवधूत बाबा जी, उनसे हमने भी, उन्होंने भी अच्छी ही बातें ही सारी बताई थी। लेकिन वो पाठ करना मुझसे नहीं, मुझे तो बेचैनी इतनी होती है कि पूछिए नहीं। और दूसरी चीज, आंख बंद करके बैठने में यहाँ मुझे दिक्कत नहीं है, पर वो बेचैनी सी रहती है कि इधर कुछ हो गया, या लेफ्ट साइड में मुझे दिक्कत सी है वैसे नर्व्स की। तो और मेरे इतना पसीना और इतनी गर्मी आती है मुझे कि मैं नहीं ओढ़ती रात में कुछ भी, कुछ नहीं ओढ़ती, चादर ऐसी मिलती तो है फायर एलिमेंट्स बढ़ और जाते पैर हैं के तलवों से लगता है आग निकल रही है, इतनी है मुझे। और गर्मी बढ़ा लीजिए, 3 महीने के लिए हिमालय वगैरह जगह में चले जाइएगा। पता नहीं अब मैं सही हूं या नहीं, ये मुझे समझ नहीं आता। लेकिन मुझे ये दिल में संतुष्टि रहती है कि मैं अपनी कोशिश से सही करती हूँ। अब पर भगवान जाने सही है कि नहीं। पहली बात, जो पाठ कर रही है जिसे बेचैनी होती है, ये पाठ हाँ, नहीं कर सकती। मत कीजिए, क्योंकि ये साधना आपने की ही नहीं है पहले से। हाँ जो साधना पहले से की है, जो चित्त में है, जो डीएनए में है, तो हाँ उसी से आप कनेक्ट करिए। जैसे आप कह रहे हैं ना, आप बता रहे हैं ये चीजें कनेक्ट करती है, ऊर्जा कनेक्ट करती है, हाँ बहुत उसी में कर, डुबकी लग रही है, पहली हाँ बात। हाँ दूसरी बात, जो गर्मी शरीर में आज हो जाती है, ये फायर एलिमेंट्स की वजह से होती है गर्मी, तो यही वाला काम करना है। ठीक है ठीक है। और तीसरी बात, जो आप बेचैनी जो हो जाती है, आंख बंद करके बैठने में भी कभी परेशानी होती है, हाँ तो हाँ आंख खोल के बैठिए आप बस, और अच्छा और उस बेचैनी को भी देखिए। अच्छा और मुझे जैसे बंद कमरे से, अंधेरे से, पानी से, शिव मंदिर जाने से, सपने में भी मुझे इनसे भयंकर डर लगता था, लेकिन अब कम हो गया है मेरा। जाती हूँ, जलाभिषेक करती हूँ, किसी ने बताया कि अभी जलाभिषेक मरना कर, बाकी है आपको, इसीलिए हाँ मरना बाकी, इसीलिए डर लगता है। मरना पता नहीं। हाँ बाकी है, मरने तो मैं यही के लिए सोची, तैयारी कीजिए अब। अच्छा क्योंकि उन्होंने कहा ना कि रुकिए, अभी मरना है कि नहीं, बात को यहाँ पे रही नहीं, मरना है कि नहीं, नहीं। धीरे धीरे एक ही बार मरना है। जैसे हो जाए, पर हो नेचुरल, हो नेचुरल। मरने से डरती हो आप? नहीं डरती तो नहीं नहीं डरते तो नहीं आप? हूँ नहीं, देखना, ये जो पर बुजुर्ग है ना, मुझे ये भी कम नहीं है, जो बोलते हैं मरने से नहीं डरता हूँ, तो मैं भी बोलता हूँ चलो परीक्षा ले ही लूंगा मैं, सामने है गंगा माँ, पर मुझे, कुछ होगा वो बाद में देखा जाएगा। हाँ रोज लोग बह ही रहे, ये भी बह गए, कह दो कितने हाँ और जो ये बात आप, लोग तैयार है गंगा में छलांग लगाने के लिए, मुक्त होने के लिए। नाम नीरज जी लिखिए सबका, या तो ये रहेंगे या तो हम ही रहेंगे, नहीं तो हमारी साधना आ गई, इनके साथ नहीं होगी, सब कुछ छलांग लगवा देंगे। फोटो ले लो आप, नहीं सचमुच में लेके जाऊंगा मैं सबके फोटो, उठो, या तो छलांग नहीं तो दोबारा आना बंद। चलो फोटो ले लो, अब देखता हूँ कितने हाथ उठेगा। अकेले गुरु जी, अगर आपने कहा है तो तैयार पार्टी, और कोई कह गया तो नहीं। मेरी वीडियो तो देख के नहीं हाथ उठाया ना आप लोगों ने? हरिद्वार में एक आए थे, झगड़ा कर दिए थे, वो कितना गुरु के पास गया, 10 गुरु बना लिया, 73 साल हो गया, क्या गुरु का काम है, कितने झगड़ा किए थे उनसे, राम दिखाओ, कृष्ण दिखाओ, कुछ तो दिखाओ, कुछ तो होना चाहिए। उस झगड़ा में मुझसे इतनी झगड़ा हुई, मतलब गुरु की तरह से वार्तालाप हुई, वो कैसे हो गए, हमको कहा था
गुरु मान रहे हैं, हाँ जो कहूंगा वो करेंगे, हाँ गंगा में छलांग लगाएंगे, गंगा पास में जब तैयार हो गए थे तो उनके साथ बाद में कुछ चीज़ें घटित भी हुई, वो वीडियो पड़ी हुई है, लाइव वीडियो है उनके साथ। अब उस वीडियो को देखकर बहुत लोग बाद में हाथ उठाने लग गए कि शायद गुरु जी का ऐसा किया, हाथ उठाए तो उनका कल्याण होगा तो हमारा भी होगा, तो गुरु जी भी कम नहीं है। जैसे गुरुजी बोलते थे ना पिछले वाले के क्या नाम है, जब इस जीवन में आए हो तो इस जीवन में किसी पर्पस से आए हो तो जो है उसको सबको अनुभव करो, जैसे अनुभव करो, बगैर अनुभव के तो यही लगेगा कि तुम चले गए और तुम्हारे मन में वो बात रहेगी फिर आओगे। तो जो कह रहा है कि जो है सबको अनुभव करो, तो अब जो मतलब जो है वो होते है। अब किसी के मन में तो कोई एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस है तो उसको अनुभव करने जाएंगे वो? नहीं, वो नहीं। तो है यहाँ पर जो आपकी जिम्मेदारी सब कुछ है, गाय है, भैंस है, सांप है, सबको अनुभव करेंगे। नहीं, तो सांप कटवाने का भी अनुभव कीजिए, जो जिम्मेदारियां हैं कुत्ते कटवाने के भी अनुभव कीजिए, गाय बकरी से लड़ने के भी अनुभव कीजिए, अखाड़े में उतरने के भी अनुभव कीजिए आप, जो जिम्मेदार। हाँ, अनुभव का मतलब क्या है कि जो जिम्मेदार आपका शरीर जो मिला है, मनुष्य का शरीर, दिमाग मनुष्य का, तो हर चीज प्रकृति में एक सिस्टम, उस सिस्टम के मुताबिक ही आपको चलना है। गाय बकरियों का इंटेस्टाइन्स अलग मिला है, आपकी इंटेस्टाइन्स अलग नहीं। हाँ, वो नहीं, उनकी सिस्टम थोड़ी सी अलग मिली है चलने के लिए, घास फूस खाने के लिए। अगर हम लोग सब जाकर बाय करके घास फूस खाने लग जाएंगे तो सब हॉस्पिटल में चले जाएंगे। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जो है उसको अनुभव नहीं, अभी ये नहीं कहना चाहती हूँ मैं, थोड़ा सा जिम्मेदारी जो है उसको, जिम्मेदारी से भाग भी सकती हूँ ऐसा आपको लग रहा है क्या? भाग ही नहीं पाते उसी से, तो ये कह रही कि मैं छलांग लगा देंगे, ध्यान में है सुने नहीं है, वैसे छलांग लगाएंगे पीछे से पैर खींची लेंगे, अभी कहाँ जाओगे, अभी बहुत बाकी है, साथ आए हैं ना। अच्छा गुरुजी एक बात और पूछनी थी, ये शिव मंदिर में क्यों एक दहशत क्यों लगती है, अभी कम हो गई है और क्या लगता है डर? ये मतलब ऐसा मुझे लगता है जैसे कभी किसी जन्म में कुछ हुआ है। हाँ, बिल्कुल, ये है ना बात आपने, और जिनको जिस जगह पे पूर्व लखनऊ में कहीं कुछ जबरदस्त घटनाएं हुई है, हाँ, दुर्व्यवहार हुआ है, उसको उस जगह में जाने में भय लगेगा। इस जन्म में ही जिस जगह पे आपके साथ कुछ हो जाता है दोबारा जाने में थोड़ा सा भय पैदा होता है उस इंसान से, उस जगह से भी। हाँ, तो इसलिए होता है और इसको भी होता है, इसने हाँ, बताया नहीं था बाद में बताया। कभी कभी मंदिरों में कभी डांट मिली होगी, कोई दुर्व्यवहार हो गया, कुछ ऐसा हुआ, कभी कभी, तो वो चीज अभी भी आपकी सूक्ष्म प्रकृति में है, सूक्ष्म प्रकृति मतलब चेतना में है। कैसे ठीक करें? मत जाओ वहां। पर मैं तो इस बार बहुत गई जल चढ़ाने, शिव बहुत जल चढ़ाने, कहीं भी जल चढ़ा लो, मंदिर में भगवान नहीं, 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 कर रहा मैं भी नहीं मानती, पर मैं बता रही हूँ, चार द्वारी में भगवान को बंद करने लग जाओगे, हमने ताला मार दिया, यहाँ बंद कर लिया, शिवलिंग यहाँ स्थापित कर लिया, बाकी जगह हम पापी बन के घूमेंगे, मंदिर में आएंगे तो यहाँ पे साधु बन जाएंगे, पंडित बन जाएंगे, भगवान को साक्षी मानो, हर जगह है, पूरे जगत मंदिर है, हर जगह है, ऐसा देखो तो आप देखो मंदिर में जब जाते हैं तो तुरंत हमारा विचार सही हो जाता है, साधना आश्रम में आते हैं तो थोड़ा विचार सही होता है, कुछ लोगों का विचार सही नहीं होता, उसको बहुत टाइम लगता है सही होने में, ज्यादा ही बीस और गंदगी भरा रहेगा तो वो भर भर के आते रहेगा। और लेकिन एक बार आप ये सुनो कि मंदिरों में घर में उसको बंद नहीं करेंगे, ज्ञान में इसको उतारो कि वो हर जगह व्यापक है, साक्षी भाव से देख ही रहा है, तो आपका तुरंत जो विचार का जो प्रोसेस है सही हो जाएगा। क्योंकि अगर मंदिर में उसको मान लिया है ना, सबकॉन्शियसली अवचेतन लेवल पर कि ये मंदिर में है, तो तुरंत आपके अंदर की विचारधारा बदल जाता है, आप मंदिर में टेम्पल में जाएंगे तो विचारधारा बदल जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि वहीं पे है वो। जिसने ये मान लिया कि वो हर जगह है, उसके हर जगह विचार पॉजिटिव हो जाएगा, जी जी हर जगह ही हो जाएगा। हाँ,
और तो लड़ाई झगड़ा में भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है, उसको पता है कि मेरी प्रारब्ध कट रहा है, तो बड़े मजे में वो प्रारब्ध को काट लेगा। और जो हंस के भी तो लड़ाई झगड़ा किया जा सकता है, अब करना ही है, प्रारब्ध है। कितनी कहानियों में ऐसा मिला है कि सन्यासियों को भी जूता खाने को मिला है, ब्रह्म बोध किया है, मुंह पे थूक दिया, जूता चप्पल मिला है, मारपीट मिली है और बड़े मजे से खा लिए, क्योंकि उनको पता है ये भी मेरा प्रारब्ध है। और उसे मैं ज्ञानी शिष्य देखा, जब गुरु की ये हालत हो तो इस गुरु के पास में रह के क्या फायदा, भागो, अध्यात्म में जाके फायदा ही क्या है, जब इसकी ही हालत ये है, यही बीमार है, यही बेड पे पड़ा हुआ। अब गुरु जिंदगी भर चलाया कि ये शरीर जो है प्रकृति है, और प्रकृति हमेशा बदल रही है, नश्वर है, नष्ट हो जाएगी जो है ये, वो अभी उसके शरीर को पकड़ा है, पर प्रारब्ध है इसलिए वो गुरु है अभी भी। अब प्रारब्ध कौन सा, बोध के बाद भी सब गुरु नहीं बन पाते, अब कोई किसी को गुरु बनने के चाहते हैं तो और भी नहीं बन पाएंगे, और जो गुरु नहीं बनना चाहता उसको जबरदस्ती प्रकृति बना देती है। शुरुआत में मुझे गुरु बोलते थे तो मुझे क्या बोल रहे हैं गुरु, माना कर रहे गुरु मतलब सर, सर का मतलब टीचर पे सर ही कह रहे हैं, गुरु क्यों बोल रहे हैं, सर ही अच्छा लगता था, लेकिन ए दो तीन चार आप किसके किसके से माना कर रहे, छोड़ दिया ना, जो अच्छा लगा बोलते। अब कोई है कि बचपन से गुरु बनने की ट्रेनिंग मिल रही है, चौका लगा रहे, सब लगा रहे, वो लगा रहे, पाठ कर रहे, मंत्र जब कथाकार बन गया, ये सब अधिकार ही नहीं है। जिसको ब्रह्म का बोध नहीं है उसको दस लोगों को ज्ञान मत दो, पाप कर्म है ये, तुम फंसे हो और उसे भी फंसा दोगे। और एक मुझको ना ये प्रकाश जो जो निराकार स्वरूप है वो बड़ा अट्रैक्ट करता है, और जो आपने अभी बोला ना कि एक घंटा पूजा करके 23 घंटे वो, मैं भी यही कह इन लोगों से बोलती हूँ कि नहीं बोलते करो, तब मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं 24 घंटे उसी में रहती हूँ, गलती भी होती है वो मान भी लेती हूँ, लेकिन मुझे उसमें अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा मन से लगता है वही कर पाती हूँ, बाकी नहीं कर पाती। वही करो, जो कहा जा रहा है यहाँ से उसको समझो, उतारो ज्ञान में, ध्यान लगे या ना लगे उसको उतरने दो आप। ठीक, अगर आप इस जगह पे पहुंच गए कि मेरे पूजा नहीं भी करने से चलेगा, जल नहीं भी चढ़ाने से चलेगा, ठीक है। हम लोग घर में कोई नीति नियम पूजा पाठ चाहे कोई भी तिथि आ जाए, ना गुरु माँ और हम कुछ नहीं करते हैं, सारे नीति नियम बंधनों से परे, कुछ नहीं होता है हमारे घर में, हर रोज एक ही स्थिति बनी है, दिया बत्ती अगरबत्ती कुछ नहीं जलता, जो पुराने से कुछ है पड़ा पड़ा कहीं कुछ कॉर्नर में, कहीं कुछ नहीं करते हैं, भले जरूरत पड़ेगा तो दूसरे से कह देंगे जाओ थोड़ा सा माथा टेक लो कहीं और, हम कुछ नहीं करते, कोई तिथि कोई पूजा पाठ नहीं, हमसे मुक्त है, नहीं तो पूजा करने जाओगे पूजा सही से नहीं हुआ 4 दिन डिस्टर्ब हो, ये तो हाल होकर रखा है, पूजा करने के लिए भी परेशान है, पूजा सही से नहीं हुआ उसे परेशान है, पंडित जी गुस्सा हो गया, अब क्या होगा उसे भी परेशान है, लिस्ट में जितनी सामान थी वो नहीं है, कुछ कम हो गया भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे क्या, उसे भी परेशान है, तो तमाम चीजें से लोग परेशान हैं। ठीक है, बैठ जाइए। ठीक, थैंक यू।